किया है। मैंने बोला 60 किलोमीटर पे तब मैं निकले हूँ। खाना खाने दे, चाटा मारूंगा भाई। Hey, what's up guys? मैं रणमीन। ओए कहाँ निकली? ओए इधर आ। अबे इंट्रो। हेलो क्या कर रही है? हेलो गाइस, तो आपको पता चल गया होगा कि सामान रख रहे हैं, तो मैं आई हूँ या नहीं। अरे मैं हूँ एंकी मिश्रा, कौन बोले ना? हेलो गाइस, मैं हूँ एंकी मिश्रा। हाँ तो गाइस आजकल ब्लॉग शुरू करते हैं जिसमें प्यार मेरा इकरार मेरा दिलदार जा रहा है घर अपने। और एक और चीज़ इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि आज मैं अंकिता को ड्रॉप करने नहीं जा रहा हूँ, आज अंकिता का भाई और अंकिता की मम्मी इसको उठा ले जाने आ रहे हैं। मतलब अहमदाबाद में जहाँ पे एक्सप्रेस वे शुरू होता है वहाँ पे आ रहे हैं वो लोग। एंड एक और बढ़िया बात, देखो मैं गाड़ी पहले बाहर निकाल लेता हूँ फिर बात करता हूँ आगे। अंकिता की मम्मी मतलब हमारी मम्मी खाना लेके आ रही है मेरे लिए और अंकिता के लिए भी, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी। खाएगी, वो मुझे नहीं पसंद है। खाएगी 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 और खाएगी। वो बेचारा हाथ करा था, हमने किया उसको। मैंने उसको ऐसे किया। हम लोग जाएंगे अंकिता को फेंकने के लिए और इसको फेंक के वापस घर पे रिटर्न हो जाएगा। अंकिता का भाई और अंकिता की मम्मी मिलेंगे तो वहाँ पे भी उनको भी मिलवाएंगे हम। क्या हुआ? तेरे से ज्यादा मुझे दुख होता है, पूछ क्यों? वहाँ पे इतनी सारी कंपनी होती है तेरे पास और मेरे को तो तू याद तक नहीं करती, पता है? ऐसा नहीं, दिन में एक या दो फोन कर दिए वो भी फॉर्मेलिटी के। होता है यहाँ पे, मैं होती हूँ ना, तो और मैं हर एक चीज होगा, हर एक चीज में हिडन का होता है। अंकिता 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 ऐसा तो हाँ। कितनी बार ऐसा होता है कि वो ऐसे चिल्लाता है अंकिता अंकिता, फिर उसको याद होता है कि शिट अंकिता तो बड़ोड़ा है, फिर वो उदास हो जाता है, फिर वो मुझे बोलता है कॉल करके कि पता अभी ऐसा हुआ। तो अभी हम पहन लेंगे मार्कस मकल शो मकस। यार मिस करूंगा तेरे को, मैं भी देखो मिस करूंगी यार। तू यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल में है दरबार, कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिर मैं बन के तेरा जोगी। एक्चुअली गाइस क्या है, हम दोनों एक दूसरे को मोर देन 8 इयर्स से जानते हैं, तो गाइस एक दूसरे के हर एक बुरी से बुरी चीज पता, अच्छे से अच्छी चीज पता है। एंड एक दूसरे की इतना यूज हुआ है ना कि ऐसा हैबिट हो गया एक दूसरे। अभी रास्ता दिखाते हैं, बहुत लंबा इंट्रो हो गया। मुझे तो फिर शुरू हो गई, मुझे तो मैं जब सोचता हूँ मैं इंट्रो बंद करूंगा ये बोलना शुरू कर देती है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो। प्रैंक चैनल तो आपको पता ही है, तो वहाँ पे जाके देख लेना प्रैंक। हाँ देखिए एंकी हिरन फॉलो करो, लॉट्स ऑफ लव, पीछा करो, बाय गाइस। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। As usual, हमने स्टॉप लिया है जूस पीने के लिए। कैसे हो भैया? बस यार आपकी तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, यहाँ आसपास के लोग भी जो रहते हैं ना वो हमारे वीडियो पे आके बोलते हैं कि यार हाँ हम भी वहाँ पीते, बहुत बढ़िया भी है। हेलो कहाँ पहुँचे? 15 किलोमीटर दिखा रहा है। ओके ठीक है ठीक है, पंद्रह किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर क्रॉस करने में उनको शायद 7 से 8 मिनट लगेगा, 10 मिनट हमको पहुंचते, हमको पहुंचते 15 से 20 मिनट लगेगा, और जूस पीने में 2-4 मिनट और, पैसे निकाल के रख तो का टाइम बचेगा। ये ले इनको अब याद रह गया पूरा। पहले भाई जूस निकालते थे ना इसीलिए मांगने। अरे हमेशा की तरह मस्त। तो जल्दबाजी में जो कुछ शूट नहीं किया हमने वो बता देते हैं। पहले तो हमने कुछ ग्लासेस लिए हैं तो जूस वाले के वहां से हमने एक्स्ट्रा ग्लासेस लिए परचेज करके। हाँ वो पैसे लेने के तैयार ही नहीं था बंदा, मैंने बोला 6 ग्लास चाहिए ये वगैरह वगैरह, तो उसने 1 रुपया नहीं लिया। उसके बाद हमने कितना फोर्स किया उसके बाद भी हम 20 दे रहे थे तो फिर वो चेंज लेके मुझे वापस दे रहे, मैंने बोला भाई तू रख ले, दोनों झगड़े फिर से है ना। दिव्यांग को नहीं पता कि मैं अहमदाबाद से बड़ौदा पहुंच जाता हूं पर ये ऊपर से नीचे नहीं उतरती इतनी देर में, तो कहां से ही हम लोग यहां से वहां तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? उसके बाद हमने लिया है हेजलनट वॉलनट ब्राउनी, वो लिए है बड़ौदा वाली मम्मी के लिए, वो गीता बेन माटे ली थी, गीता बेन माटे है ना, ब्राउनी ने ली, ब्राउनी ने वो लोग पहुंच गए हैं और हम लोग अभी भी बहुत दूर है। और अंकिता ने पता नहीं क्या सोच के 7 मिनट बोली है, अभी दिव्यांग देखेगा तब उसको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और हम बहुत एक्सट्रीमली लेट हैं
इसकी वजह से दिव्यांग और उसकी मम्मी दोनों गुस्से में होंगे। आगे रख दो ना थोड़ी। क्या छो इंतजार क्या है अंदर की तरफ ट्रैफिक बहुत था। मेरे ख्याल से मार्केट बंद होता है लोग वापिस जाते हैं ना। खुला ही है ना। हाँ लगेज ट्रांसफर की बारी। ये देखो इसमें भी आपके साथ कपड़े पड़े हैं। ये आपके लिए और ये मेरे लिए। थैंक यू। हाँ मम्मी बोले थैली वापस करना है। हाँ ठीक है रुक जा मैं गाड़ी बंद करके आता हूँ। जाके उस गाड़ी में खाना खा लेता हूँ। डेढ़ घंटे कैसे हो सकता है। हाँ फिर हम लोग बाद में निकले थे ना। जब दिव्यांग ने बोला 60 या 50 किलोमीटर तब भी कॉल किया था। 60 किलोमीटर भाई जब हाईवे पे चढ़े तब भी कॉल किया था। चुप रहे ना मैं मारूं। तीन बार मैंने कॉल किया। मम्मी मैंने बोला 60 किलोमीटर था तब मैं निकली हूं। खाना खाने दे। चाटा मारूंगा भाई। अच्छा तुम लोग लड़ रहे हो। सड़ा हुआ मुंह तेरा। सड़ा हुआ मुंह तेरा तो है ही पैदा इसी। और तुझे तो कचरा के ढगले से लाए थे हम लोग उठा के। मैंने बोला हो गया। नहीं बोला बोल। यहाँ कैसे पता है कैमरा चालू है इसलिए। बोलना था तब तो और बोलना था। मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करता यार। ना भी पंच पड़ेगा पीछे से। तो ये कौन सी सब्जी अंकिता। कटहल के। कटहल मतलब समझा ना दूसरे वर्ड्स में। चेक फ्रूट। जो जब अंकिता ने पहली बार जब मेरे को यहाँ पे टेस्ट करवाया था बरोड़ा में तब अंकिता को लगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा जबकि मुझे बहुत टेस्टी लगा था। मस्त वाला खाना खा लिया और सुपर था स्पेशली राइस के साथ ग्रेवी इतनी अच्छी लगी। और उनको तीखा चाहिए था खाना एकदम। बाय अंकिता। चलो हिरेन भाई जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बी केयरफुल। दिव्यांग भाई बाय। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। क्या लाया था हिरेन। ब्राउनी। वॉलनट ब्राउनी। जय माता दी। जय माता दी। सीट का शिफ्टिंग चल रहा है। दिव्यांग भाई बाय। चलो जैसे कृष्णा। चल बाय। बोल दे लास्ट में बोल दे सब्सक्राइब कर ले चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हिट द बेल आइकन। लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। और क्या करना है। और क्या करना है। बाकी सारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। हमको हर जगह पे फॉलो करो। हमारा पीछा करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाकर। बाय गाइस। चल बाय। लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं रात को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हिरेन लाइव स्ट्रीम को। एंड लॉट्स ऑफ लव। कीप सपोर्टिंग एंड शेयर कर देना वीडियो को। अब से हम हर वीडियो के एंड में किसी ना किसी को शाउट आउट देंगे। जिसका बेस्ट कॉमेंट होगा उसके शाउट आउट देंगे। तो अच्छे अच्छे कमेंट करना शुरू कर दो। पर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो किया होना चाहिए और वीडियो को शेयर किया होना चाहिए। अच्छा लाभ।